गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे। कभी परखता नैन मेरे तू कभी परखता तो, कभी परखता नैन मेरे तू कभी परखता तो। अंबर सरिया मुड़िया बे कचिया कलिया ना तोड़, अंबर सरिया मुड़िया बे कचिया कलिया ना तोड़। तेरी मानी बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी मानी बोले है मुझे तीखे से बोल। अंबर सरिया वो अंबर सरिया मैं कलियों की जैसी मेरी अलहड़ू मरनी हाड़ी, छोटी सी ये जान मेरी और जो बन बहता पानी। अरे मैं कलियों की जैसी मेरी अलहड़ू मरनी हाड़ी, छोटी सी ये जान मेरी और जो बन बहता पानी। जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल दहानी, जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल दहानी। मैं अनजानी को ये पानी लेना जावे रो, अंबर सरिया मुड़िया बे कचिया कलिया ना तोड़। अंबर सरिया मुड़िया बे कचिया कलिया ना तोड़। तेरी माने बोले हैं मुझे तीखे से बोल, तेरे माने से बोल। अंबर सरिया ओ अंबर सरिया। अपना एक जनरल परसेप्शन तोड़ते हुए अभी तक हम लोगों ने सारे गाने आप लोगों को इजी इजी सिखाए हैं और इजी करने की कोशिश की है, बट आज पहली बार एक गाना ऐसा हम लोग आपको सिखाने जा रहे हैं जो एक तरीके से हमने ट्राई किया है कि एज ए साउंड करे एज ओरिजिनल, ठीक है। तो बिल्कुल भी ईजी नहीं है, अगर आप बिगिनर हैं तो आई जस्ट वॉन्ट कि दिस सॉन्ग शुड गिव यू यू नो इनफ मोटिवेशन टू प्रैक्टिस हार्ड, ठीक है। बट गिव अप नहीं करना है कि हमसे नहीं प्ले हो पाएगा, बट ट्राई हार्ड यू विल बी एबल टू डू इट। हाई माई नेम इज अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माई गिटार मैथड्स। आज हम आपके लिए क्या आए हैं अंबर सरिया फ्रॉम द मूवी फुकरे। ये गाना गाया है सोना महापात्रा ने, इस गाने को कंपोज किया है राम संपत ने और इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं मुन्ना दिहन ने, ठीक है। मैंने पहली बार इनका नाम सुना है बट ठीक है, लिरिक्स साउंड्स यू नो वेरी गुड। और अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता लगा कि अंबर सरिया का मतलब होता है अमृतसर वाले लोगों को बोला जाता है अंबर सरिया, ठीक है। तो आई एंजॉयड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग एज वेल, सो यू कैन ऑल्सो लुक एट दैट। तो ये गाना हमने ओरिजिनल स्केल में रखा है, दैट इज ई माइनर। मैं आपको ओपन कॉर्ड्स भी बताऊंगा, बट कोशिश करें कि ये गाना अगर आप बा कॉर्ड्स में प्ले करेंगे तो ही इस गाने का एसेंस बचा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, प्लीज़ प्रैक्टिस हार्ड। अगर कोई इशू हो तो मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ लाइव, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं लाइव फीड को और पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। आप परफॉर्म करना चाहें तो वो भी चलेगा। हमारे दो वीडियोस पर वीक आ रहे हैं, जस्ट लेट अस नो कि व्हाट एल्स यू नीड फ्रॉम अस टू मेक यू अ गुड गिटारिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये गाना ई माइनर स्केल का गाना है और हमने लोगों ने बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं किया है, एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू साउंड ऑथेंटिक एज पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ई माइनर स्केल के साथ। तो दिस इज हाउ यू प्ले द ई माइनर स्केल, ठीक है। अब इसमें भी ऐसा है कि मैंने कभी कुछ वीक पहले वीडियो एक और था, वो भी गाना तेरी दीवानी हमारा ई माइनर का गाना था और उसमें भी मैंने आपको बोल के बताया था कि स्केल को याद करने का तरीका एक ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे याद रखें कि इसमें एक ही शार्प होता है, दैट इज एफ शार्प। सो ई एफ शार्प जी ए बी सी डी ई, ओके। अब कॉर्ड्स की बात करते हैं तो दिस इज हाउ वी प्ले द ई माइनर कॉर्ड ओपन, बट गाने में हमने यूज किया है ई माइनर कॉर्ड बार जो इस तरीके से प्ले किया जाता है। आपका इंडेक्स फिंगर होगा सातवें फ्रेट पे और पांच स्ट्रिंग का बार आपको लगाना है। हमने बार कॉर्ड पे ऑलरेडी एक वीडियो टेक्निकल में बनाया हुआ है, जाके आप देखिए और हमें बताइए कि वो वीडियो देखने के बाद ये कॉर्ड्स आप अच्छे से लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे। सो दिस इज हाउ वी प्ले ई माइनर कॉर्ड विद बार, ठीक है।
इसको शेप को समझने का एक तरीका ये भी है, जो हमारा ए माइनर शेप था ये वही शेप यहाँ कंटिन्यू हुआ है और यहाँ पे एक तरीके से आपने कैपो या बार लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड है डी मेजर कॉर्ड। नॉर्मली डी मेजर हम लोग ऐसा प्ले करते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट मोस्ट चैलेंजिंग कॉर्ड फॉर मी, वॉज मोस्ट चैलेंजिंग जब मैं ये गाना सीखा था मैंने आज से कुछ साल पहले, तो मुझसे इस तरीके के बार कॉर्ड नहीं लगते थे, ठीक है। तो हो सकता है आपको बहुत दिक्कत आए, बट एक मैं मेरे मेरा भी एक यू नो कहते हैं ना कि व्हाट इज द वर्ड आई फॉरगॉट द वर्ड कन्फेशन है कि मैं भी एक चीज इसमें चीटिंग करता हूँ। नॉर्मली द बेस्ट वेरिएशन टू प्ले दिस कॉर्ड इज व्हेन यू प्रेस ये जो रिंग फिंगर है ना आपकी, आपका इंडेक्स फिंगर तो पांचवे पे होगा, पांचवे पे बार लगेगा पांच स्ट्रिंग का, उसके बाद आपका जो रिंग फिंगर है ना वो इस तरीके से मुड़ा हुआ होना चाहिए कि वो दूसरी तीसरी और चौथी स्ट्रिंग को तो प्रेस करे लेकिन फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन छोड़ दे। नाउ दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर आपकी फिंगर्स बहुत ही ज़्यादा यू नो फ्लेक्सिबल हैं, मैंने देखा है कुछ गिटारिस्ट कर पाते हैं बट मैं नहीं कर पाता हूँ, तो वॉट आई डू आई जस्ट प्ले दीज फोर स्ट्रिंग, पांचवा चौथा तीसरा और दूसरा, पहला और आखिरी जो मेरा एक तरीके से स्ट्रिंग है वो म्यूटेड है, ओके। तो मैंने ये इसी तरीके से प्ले किया है। आप कोशिश करेंगे अगर आपका भी फर्स्ट स्ट्रिंग आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरा तो नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड होगा ए माइनर कॉर्ड विच इज ओपन, हम यहां प्ले करते हैं और बार में हम प्ले करेंगे पांचवें स्ट्रिंग पर फुल बार और फिर ये दो फिंगर, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉर्ड होगा वो होगा बी माइनर कॉर्ड। तो बी माइनर कॉर्ड को प्ले करने का तरीका यहाँ पे इस तरीके से विदाउट बार अगर आप कर रहे हैं, तो मेन जो चार कॉर्ड हैं जो इस गाने का ऑथेंटिक साउंड बनाते हैं वो देखा जाए तो ओपन भी पॉसिबल है लेकिन गाने में बार हुआ है तो बी माइनर का जो बार वर्जन है वो ये होगा, ठीक है। आपका बार होगा सातवें फ्रेट पे इस तरीके से और फिर, ठीक है। अब बचे हुए जो कॉर्ड हैं वो थोड़े से हटके कॉर्ड है, हटके इन द सेंस कि मेजर माइनर कॉर्ड्स नहीं है, कुछ वेरिएशंस हैं जो मेजर और माइनर में ही आइडिया कोई चीज आइडिया हटा के हम लेके आते हैं। सो सबसे पहला कॉर्ड इज जी मेजर सेवन कॉर्ड। नाउ दिस कॉर्ड मस्ट बी न्यू फॉर यू। कैसे कर रहे हैं, दो फिंगर रखनी है यहाँ पे, सोचो बी माइनर लगाना है आपको, ठीक है। तो बी माइनर में से सिर्फ दो फिंगर रखी हमने लिटिल और रिंग, उसके बाद आपको अपना मिडिल फिंगर वहीं रखना है जहां पे हमारा बी माइनर, तो टेक्निकली ए माइनर का शेप बनाया मैंने अभी तक, ठीक है। अब मेरे को मेरा इंडेक्स फिंगर रखना है यहां पे छठे स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट में। अब मुझे पहला स्ट्रिंग सॉरी पांचवा स्ट्रिंग और पहला स्ट्रिंग ये दोनों म्यूट रखने हैं और चार ही स्ट्रिंग बजने चाहिए, सिक्स फोर्थ थर्ड एंड सेकेंड। दिस इज कॉल्ड जी मेजर सेवन कॉर्ड, ठीक है। इस कॉर्ड में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा पर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड डी मेजर का एक वेरिएशन है डी मेजर सेवन। उसके लिए क्या करना है, जो आपका डी मेजर का बार था वो अभी भी यही रहेगा, इसमें ये फिंगर नॉर्मली हम ऐसे लगा रहे थे एक अकेली, लेकिन अब हमें इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि बार आ गया, बार के बाद अपना मिडिल फिंगर ऐड करेंगे थर्ड स्ट्रिंग एट्थ सिक्स्थ फ्रेट पे, लिटिल फिंगर आएगा यहाँ पे जो कि है सेकेंड स्ट्रिंग सेवन्थ फ्रेट, और उसी फ्रेट में सेवन्थ फ्रेट में रिंग फिंगर आएगा चौथे स्ट्रिंग पे। एंड दिस इज हाउ वी प्ले डी मेजर सेवन कॉर्ड, ओके। ये चैलेंजिंग होगा। फिर नेक्स्ट कॉर्ड जो है इसी शेप से बहुत ज़्यादा रिलेटेड कह सकते हैं हम, इसी शेप को अगर आप एक दो और तीन स्टेप पीछे ले जाएं, ठीक है, और अपना मिडिल फिंगर हटा देंगे तो इस कॉर्ड को हम बोलेंगे डी सेवन कॉर्ड, ठीक है। और लास्ट कॉर्ड जो एक दो बार काम में आता है दैट इज ई माइनर कॉर्ड और सॉरी एफ शार्प माइनर कॉर्ड। सारे के सारे बार कॉर्ड्स हैं, इसलिए शुरू में मैंने आपको चेतावनी दी थी कि इस गाने को बजाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। मेरे को महीने लगे थे इस गाने को परफेक्टली प्रिपेयर करने में, तो नो वरीज है ना, ये वो टास्क रखो कि भाई एक दो महीने में बजाना है गाना, लेकिन रेगुलर ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। इट्स अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला गाना, ठीक है। और एक और लास्ट कॉर्ड है जो गाने में एक दो जगह यूज़ करते हैं हम, दैट इज़ जो हमारा बी माइनर कॉर्ड है ना उसमें से लिटिल फिंगर हटा के आपको मिडिल फिंगर ऐड करनी है यहाँ पे थर्ड स्ट्रिंग पे एट्थ फ्रेट पे, ये हो गया हमारा बी मेजर सेवन कॉर्ड।
ठीक है, तो यही कॉर्ड हैं सारे के सारे। आई नो नए कॉर्ड्स हैं और बा कॉर्ड्स हैं और इनका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। शुरू वाला पार्ट फिर भी आप चलो ठीक है चीटिंग करके हम चाहें तो जैसे ये शुरू में हम बजाते हैं, ये हम बजा सकते हैं यहाँ पे, पर फिर वो बचे हुआ पार्ट का कुछ और इलाज नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि बहुत हो गया वर्कआउट से भागना, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अभी एक वीक नहीं, दो वीक नहीं, एक महीने में नहीं, दो महीने में बजा लेंगे, लेकिन बजाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। गाने का जो स्ट्रमिंग पैटर्न है, अगर मैं पहले टाइम सिग्नेचर की बात करूँ तो इट्स अ नॉर्मल फोर काउंटिंग वाला गाना, 4/4 टाइम सिग्नेचर है। बट इसका जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो एक नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न ही है जो हमने कई गानों में पहले यूज किया है, दैट इज डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, बट पंपिंग एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस गाने का, जो अगर आप नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, पहले एक बार नॉर्मल देखते हैं बिना पंपिंग के, जैसे कॉर्ड सीक्वेंस में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब पहली चीज़ जो पहला ट्रिक है इस गाने का, दैट इज चेंजिंग इन हाफ्स। पूरा एक स्ट्रमिंग एक कॉर्ड पर नहीं आ रहा है, आधे आधे में चेंज हो रहा है। तो अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे हमारा पैटर्न है ये, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो मैं कह सकता हूँ कि तीन तीन अलग अलग पार्ट हैं गाने में, स्ट्रमिंग में। एक हो गया डाउन अकेला, देन चार का ग्रुप अप डाउन अप डाउन, देन चार का ग्रुप अप डाउन अप डाउन। आपको कब चेंज करना है, जैसे अगर मैंने पहले डाउन पे लगाया ई माइनर और फिर हमें जो ये पहला ग्रुप है ना चार का, उसके लास्ट डाउन पे नेक्स्ट कॉर्ड चेंज कर लेना। तो अगर सीक्वेंस है ई माइनर से डी, तो दिस इज हाउ आई एम प्लेइंग इट, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, देन नेक्स्ट नया स्टार्ट होगा ई माइनर पे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो आई सजेस्ट यू प्रैक्टिस दिस चेंजिंग इन हाफ्स पहले अलग से, जैसे ओपन कॉर्ड पे भी कर सकते हैं, लाइक डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, देन नेक्स्ट कॉर्ड डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं पंपिंग की। पंपिंग क्या है, पंपिंग में मैं अपने कॉर्ड को स्क्वीज करता हूँ। स्क्वीज का मतलब समझते होंगे हम सब, कि जैसे वो एक स्क्वीज वाली बॉल आती है ना, कि हम पूरा दबा देते हैं फिर इसको छोड़ देते हैं, तो वैसा सा ही एक मैनर है कि जैसे मैंने ई माइनर कॉर्ड लगाया तो मैंने उसको पहले प्रेस करके रखा। अब जैसे ये ऐसा साउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा जो फोर्स है वो अभी लगा हुआ है, मैंने उसको लूज नहीं छोड़ा, लेकिन यू विल नोटिस जैसे ही मैं उसको लूज छोड़ूंगा आई लूज द साउंड। So you have to understand, you can, you know, manage the length of the sound by left hand also. कि अगर आपने जल्दी छोड़ दिया तो वो जल्दी चुप हो जाएगा। Now pumping is doing this process of pressing and losing it back and forth. बार बार में करना ही pumping है, ठीक है। अब कहाँ करनी है, कैसे करनी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा specifically आपको बता पाऊँ। हमारा जो strumming pattern है, down, up down, up down, up down, up down, उसमें पहले down पे, उसके बाद जो चार का ग्रुप है उसके पहले अप पे और उसके आखिरी डाउन पे। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। तो डाउन, फिर बीच में मैं उसको लूज छोड़ रहा हूं, ठीक है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अगर एक ही कॉर्ड पे कर रहे हैं। अब अगर चेंज करेंगे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको नहीं समझ में आया जो मैंने बोल के समझाया, आप बार बार में कोशिश कीजिए कि मैं जो बजा रहा हूँ उसको कॉपी करें बार बार में, तो अल्टीमेटली आपको वो साउंड से मैच करना ही करना है, तो इट विल वर्क। तो गाने का जो टेम्पो है हमने 85 रखा है, आप इसको मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करें, और बाकी कॉर्ड शिफ्टिंग में बहुत जोर आएगा। स्ट्रक्चर पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा, है ना, कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करें इसके शिफ्टिंग के लिए, क्योंकि नए कॉर्ड्स हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, एंड मैं थोड़ा सा यू नो नेगेटिव तो नहीं कह सकते, सस्पिशियस फील कर रहा हूँ इस लेसन के बारे में, क्योंकि दिस इज़ टू मच एडवांस। एंड ये शर्ट जब भी मैंने पहना है किसी वीडियो में, वीडियो नहीं चला है,
आई होप कि ये वीडियो सही जाए, हम लोग को पसंद आए और आप मोटिवेट हो अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर। गाने को गाने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप इसके कॉर्ड्स को अलग से प्रैक्टिस करें, एक एक करके वन बाय वन सीक्वेंसेस की प्रैक्टिस करें। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेनली तीन सीक्वेंसेस हैं जो इस गाने में काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला सीक्वेंस होगा ई माइनर से डी और ए माइनर से बी माइनर, ये चारों का एक ग्रुप है। तो आप इसकी बार बार में अलग से पहले प्रैक्टिस करें, सिंगिंग पे ध्यान नहीं दें। ये होगा हमारा सीक्वेंस नंबर वन। दूसरा सीक्वेंस होगा ई माइनर टू जी मेजर सेवन, देन डी मेजर सेवन टू बी सेवन, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसलिए जैसे मैंने अभी किया सिंगल स्ट्रम ई माइनर जी मेजर सेवन डी मेजर सेवन बी सेवन, फिर स्ट्रमिंग, देखो मेरे को भी टाइम लगता है, ठीक है। ये होगा हमारा नंबर टू सीक्वेंस। नंबर थ्री सीक्वेंस होगा जिसमें हम दो ही कॉर्ड मेनली प्ले कर रहे हैं, एक तो होगा जी मेजर सेवन और डी मेजर सेवन, तो बार बार में, देन एफ शार्प माइनर और ये सिंगल स्ट्रम में काम में आ रहा है, ठीक है। पहले इन सीक्वेंसेस का अलग से प्रैक्टिस करें, फिर गाने के साथ करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एडवाइस, मे बी यू हैव अ बेटर आइडिया अबाउट इट, सो जस्ट फॉलो योर गट। अब लिरिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। गली में मारे, मारे पे आएगा ई माइनर, गली में मारे तेरे पासा देखो मेरे, तो अब क्या हुआ, गली में मारे फेरे, फेरे के बाद डी लगा है, ठीक है, बिकॉज आधे में चल रहा है तो इसमें जो प्लेसिंग है ना कॉर्ड्स की वो थोड़ी सी ऑकवर्ड होगी, ठीक है। सो गली में मारे फेरे पासा नेक, आने पे जाके ए माइनर आएगा, पासा नेको मेरे गली में मारे फेरे पासा नेको मेरे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा जी मेजर सेवन, कभी परखता नैक मेरे तू, फिर आएगा डी मेजर सेवन, कभी परखता टोर, आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, टोर है ना, कभी परखता नैन मेरे तू, देन दूसरी बार में कभी परखता टोर अंबर सरिया पे आएगा ई माइनर, अंबर सरिया मुंडिया, मुंडिया पे आएगा डी, मुंडिया वे कचिया, कलिया से पहले आएगा ए माइनर, कलिया ना तोड़, तोड़ के एंड में आएगा बी माइनर, अंबर सरिया मुंडिया वे कचिया कलिया ना तोड़, तेरी माँ, माँ पे आएगा ई माइनर, तेरी माँ ने बोले, बोले पे आएगा डी, बोले है मुझे ऐसे पे ए माइनर, ऐसे से बोल, बोल पे फिर से बी माइनर, तो दिस इज हाउ इट विल बी डन। अंबर सरिया मुंडिया वे कचिया कलिया ना तोड़, अंबर सरिया मुंडिया वे कचिया कलिया ना तोड़, तेरी माने बोले है मुझे ऐसे से बोल, तेरी माने बोले है मुझे ऐसे से बोल, अंबर सरिया। इस वाले पार्ट में ये सेकंड सीक्वेंस काम मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कलियों की, नहीं ना 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 ना। क्या था लिरिक्स देखना एक बार, मैं कलियों की से अलहड़ मेरी नानी, सो इट स्टार्ट्स विद जी मेजर सेवन, मैं कलियों, कलियों पे आएगा जी मेजर सेवन, ओके। सो मैं कलियों की जैसे मेरी, अलहड़ पे आएगा डी मेजर सेवन, अलहड़ मेरी जवानी, देन नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन छोटी सी ये जान मेरी जो बन बैठा वाली, ठीक है। सो छोटी सी ये जान मेरी और जो बन बैठा पानी, ठीक है। तो ये इन दो पे यही दो कॉर्ड चल रहे हैं, जी मेजर सेवन और डी मेजर सेवन, ठीक है। फिर उसके बाद यही डरा 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 डरा, जब से चली जवानी डरा डरा डरा,
रिपीट एंड वी लैंड ऑन अंबर जरिया बड़े आवे कचियां, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा गाना प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मेहनत लगेगी और ये हमारा एक्सपेरिमेंट है कि ऐसे एडवांस सॉन्ग्स पे आप लोग के क्या रिव्यूज़ आते हैं। आप लोग डीमोटिवेट होकर इसको छोड़ देते हैं या फिर है ना आपको और मोटिवेशन मिलता है और आप अच्छे से प्ले करते हैं, ठीक है। तो आज का जो वर्ड है वो है #MGM #अमृतसरिया। आई रियली होप कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और इस गाने को अच्छे से बजा के आपकी तबीयत और बेहतर हो जाएगी। अगर नहीं हो और ख़राब हो गई हो तो लाइव में ज्वाइन करो, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताओ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट, ठीक है। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज माई गिटार मेथड्स। बिसाइड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।